वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां जी अज साफ सफाई करन लगे आ। 9 बजे का टाइम है सवेर का, रोटी पानी का अपन वेट उधर, कपड़े अपन सारे धोते तो हुण साफ सफाई करांगे। काफ़ी मिट्टी मुट्टी जी आ जाती है, गर्मी च दिल तां करदा नहीं हैगा पर करना पैंदा है, साफ तो बगैर चंगा भी नहीं लगता। चलो जी आपां साफ करते हैं, मिट्टी आ जाती है बहुत। एक कली बहुत झड़ती है जी, हाँ देखो किन्नी। ये बाहर करके बरांडे च बहुत ज्यादा मिट्टी कंधा ते हो जाती है, क्यों हवा वगैरह बहुत चलती है। हुण काफी दिन हो गए हवा चली ते मीह भी बहुत आया सी। ये पा जिहड़ी बिछाइया हुई है जी कानसा, ये भी तारांगे, इन्हां ते बहुत मिट्टी होगी। इतने समान पे सारा तार दांगे, पहला इन्हें धो के बाहर से तार से पा देंगे जी, फिर साफ करके इन्हें ये सुक जाएगी, फिर जब सारा साफ हो जाएगा तो ये कान सा बिछा देंगे। फिर आपको ऐसा नहीं उपर दिखता नहीं, कली बहुत उतरती है कोई नहीं, कोई वो ना गिरना ही है जाके बहुत कली है, मिट्टी होती जा रही है यहाँ पे तो सारा फल पता जा रहा है। साफ जगह साफ जगह हो गई, ये साफ कपड़े ना करें, ये बाहर रख दो साफ हो जो गया फिर चक ले आऊंगी। पिछला कमरा पास इधर रख, धुप च कर दे बेड़े च। हाँ हाँ फिर पिछला कमरा साफ हो जाऊगा, फिर अंदर ला। हाँ कूलर जी आप बच्चे वाले कमरे चलावे मम्मी वाले च, क्योंकि ए सी च पिया नहीं जाता बुजुर्गों तो। चलो जो गर्मी लगी मम्मी ला लिया करे। कलर कर दें
फिर ले अंदर साफ कर दा डैडी वाला भी चखिए ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਜਾ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੁੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਖੋਲੀ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਹ ਖੋਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਾ ਵੀ ਧੋ ਲਈ ਕਬਰ ਧੋਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛਾ ਦਾਂਗੇ अपने साफ सफाई का सारा निबड़ गया जी ते मैं नहाया ही जी सिर नहा लिया जी क्योंकि मिट्टी मुट्टी गिर जाती है ते आपां हुण बनावांगे नमकीन पूड़े चलो आपां नमकीन पूड़े बनाउंदे आं तां सौखा तरीका ये आपां बेसन वाले पूड़ा बनावांगे इहदे लई आपां लिया बेसन ते आपां अपने टेस्ट अनुसार लून मिर्च गर्म मसाला हल्दी मिर्च सारा कुछ ले लिया ये पा दांगे हुण चला दांगे जी आपां गैस गैस कर देंगे सिम इन्हें आप बेसन घोलेंगे लून मिर्च अपना सारा कुछ पा लिया ये छेती बन जाते हैं जी ये आप इन्होंने वास्ते थोड़े नाल पहला वीडियो शेयर की हुई है जी अमरूद के पत्ते ले इन्हें फैलाने वास्ते जब आप उपर पावे घोल ये कुर्चना लिया कड़छी आप घोल पावे उपर घोल के ना ही बहुता कैड़ा रखना ते ना ही बहुता पतला करना ये जल्दी बन जाएंगे इस करके भी प्रसादा का की बनाना सारे खा लेंगे चंगा लगता सब टेस्टी लगता थोड़ा बन भी छेती जाऊगा क्योंकि थकी हारी है मैं भी सारा साफ सफाई करिए साफ सफाई करके तो यह हुंदा आपां आराम कर लो की करिए पर रोटी पानी तो अपना बनाने ही पैंदा कुछ ना कुछ खाण नूं हुण आपां इह सौखा तरीका वी चलो कोई चाहे अपना सॉस नाल खा लो दही नाल है पर दही इक कैनी जमाई हुई है कुछ आपां ने सवेरे लस्सी बना ली सीगी रिड़क लिया सीगा सब वधिया लगता है नमकीन पूड़ा आ देखो जी अपना घोल तैयार हो गया ना आपने बहुता पतला रखा तो ना ही बहुता अपन कैड़ा रखना इन हूँ आप गैस तेज कर लाँगे
ਇਹਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ दूजे पासे भी आई आप तेल पा देंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं जी पूड़े सॉस नाल बच्चे खाते हैं जी आप दही नाल भी खा सकते हैं चाह दुध नाल भी दूजा कूड़ा ऐ करके जी आप सारे बनवा लांगे देखो अभी अपना सोना बन गया सारे हेल्दी होते हैं ना हम चले गए हम चले गए पानी भी जाइए मम्मी थोड़ा पानी हां काली मिर्च पाई हुई है ना दादी हम चले गए ले ले पानी भी छेती बन गए चार झड़ी का हो गया साफ सफाई चलो ठीक है जी परमात्मा सब तंदुरुस्तियां बख्शन अगली वीडियो फिर मिलांगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।